नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको समाधान करेंगे उस बात का जो बात आपको रात तक जगाती रहती है। अपने यहाँ घर छोटा बच्चा होता है, वो रात भर रोता रहता है और आप रात भर जागते रहते हैं। आज का मशीनी दौर है, सुबह आपको फिर 8 बजे तैयार होकर नौकरी पर निकल जाना है। महिलाओं को भी हमारे घर की नौकरी पर निकल जाना पड़ता है बहुत घरों में, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ बहुत महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। और अब तो कहा जाने लगा, अगर दो लोग ना कमाए तो घर कैसे चलेगा। और उस पर अगर रात भर आपको आपका बच्चा जगाए तो आप उस पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते निभाते सुबह कैसे नौकरी पर जाएंगे। हम आपको बताते हैं, बच्चा अगर आपको रो रहा है उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों आपको बताएं कि रोना बच्चे का असामान्य नहीं होता है। बच्चा अपनी बात आपको किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो इसी इमोशन से अपनी बात को एक्सप्रेस करता है या सामान्य होता है। लेकिन जब ये ज़्यादा वक्त तक हो जाए तो यह परेशानी का सबब हो जाता है। तो पहली बात तो साथियों यह बताना चाहेंगे, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो इसको आप उसमें ना लें, कम ना आके एक बार ज़रूर देखें कहीं उसको चोट तो नहीं लगी है, कहीं उसको तकलीफ तो नहीं है। किसी डॉक्टर से पूछ के एक बार आप जो है उसे कौन सी दवा देनी है, कौन सी तकलीफ़ है, इसके बारे में ज़रूर पूछें। साथियों, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो इसको आप पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा हल्के में ना लें। कोई ना कोई कारण हो सकता है उसके रोने का बड़ा, तो डॉक्टर की राय ज़रूर लें और ये ज़रूर चेक कर लें कहीं उसके सर में चोट तो नहीं आई है, कहीं उसके तकलीफ़ तो नहीं हो रही, उसका मोशन नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह की बातों को नोटिस, असामान्य स्थिति को नोटिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो अपनी कोई बात कहना चाहता है उसी के लिए वो रोता है। लेकिन हम आपको बताएंगे इसको रोकने की कारगर दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चे का रोना तमाम मेडिकल कंडीशन से हो सकता है, जिसमें जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। 95% केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 5% केस में ऐसा हो सकता है। तो अगर आपका अप्राकृतिक रूप से रोने का एक बहुत ज़्यादा रोने वाली आपको कंडीशन हो तो एक बार डॉक्टर से मिलकर राय जरूर लें, उससे चेकअप बच्चे का जरूर कराएं। बताते हैं साथियों आपको, बच्चे को रोने से चुप कराने में आपकी मदद करने के लिए 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति जो बच्चे के रोने में आती है वह ये आती है कि आप उसको गोदी लेके घूमते रहे तो वह चुप है, जैसे ही आपने उसको पलंग पे लिटाला या लेटने को लिए प्रयास कराया उसको वह रोने लगा। अगर यह स्थिति साथियों अगर आपके बच्चे में है कि गोदी में तो वो चुप हो जाते हो, मस्त रहते हो, हंसते हो, खेलते हो, जैसे ही उनको लिटाला वो रोने लगते हो, वैसी स्थिति में आपके बच्चे को रोने से चुप कराने की दवा है होम्योपैथी में कैमोमिला। कैमोमिला चिड़चिड़ेपन की बहुत अच्छी दवा है बच्चों में, हर उस स्थिति में कि बच्चे को आप गोदी में ले तो उनको मज़ा आता है और जहाँ आप उनको लिटाएं तो वो फिर आपने जो चिरपरिचित अंदाज में रोना शुरू कर देते हैं। आप उनको कैमोमिला दें, इससे उनका चिड़चिड़ापन उलझन ख़त्म होगी और वो थोड़ा सा सामान्य होंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि बच्चा आपका रात में लेटा है, सो रहा है, एकदम से चौंक के उठ गया और रोने लगा। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि रात में वो सोते रहते हों और एकदम से चौंक के उठ जाते हों, रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे रोना शुरू कर देते हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है जिंकम मेटालिकम। आप जिंकम में 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में कि जब आपका बच्चा रात में चौंक के उठ जाता हो और रोने लगता हो, जिंकम में उस बच्चे को ठीक करेगी और उसको खुश करेगी। एक स्थिति साथियों बच्चे के रोने में आ सकता है कि जैसे ही आपने उनको सोने के लिए लिटाला वो रोने लगे, मतलब रात में जैसे ही आपने उनको सोने के लिए लिटाला वो रोने लगे। तो अगर यह स्थिति है साथियों कि उनको रात में सोने के लिए लिटालने पे उनको तुरंत रोना आता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एकोनिटम नेप्लस। आप एकोनाइट 32 बूंद दिन में 3 बार उस बच्चे को दे सकते हैं। जो बच्चा
को लिटालने ते ही जैसे ही पलंग पे लिटाला वैसे ही उसने रात में रोना शुरू कर दिया। यह दवा दे देंगे उसकी डर घबराहट खत्म होगी। इसे कुछ बच्चे होते चौंक जाते हैं तो यह उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। वह इस दवा से चौंकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और उनको बढ़िया नींद आएगी। एक स्थिति साथियों आ सकती है आपके बच्चे में कि वो इतना नाराज होते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेबल है कि फर्श पे लौटने लगते हैं। जैसे ही नाराज हुए फर्श पे लौट गए तो और रोने लगे। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप हर उस बच्चे को दे सकते हैं जो रोते रोते फर्श पे लौटने लगते हों, फर्श पे लेटने लगते हों। ऐसी स्थिति में थूजा इस बच्चे के रेस्क्यू के लिए आएगी, उनकी इस आदत को भी ख़त्म करेगी और उनको भी नॉर्मल करके खुश रखने में मदद करेगी। एक साथियों स्थिति आपके बच्चे में आ सकती कि बच्चा बहुत रोता है और वो तभी चुप होता है जब आप उसे कंधे से लगा लेते हैं और जैसे ही आपने उसको अपने कंधे से दूर करा उनका साहब का फिर से रोना शुरू। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टैनम मिटैलिकम। आप स्टैनम मेट 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जिनको कंधे पे लिटालने में तो बहुत आराम मिलता हो लेकिन आप उनको अगर यूं भी लिटा दिए मतलब बिना सीधा लिटा दिए तो अपनी गोदी में लिटा दिए तो भी वो रोने लगे। स्टैनम मेट 30 ऐसी कैफियत में बच्चे को ठीक करेगी, उनका रोना कम करेगी और उनको सामान्य करेगी। एक स्थिति साथी आती है आपके बच्चे में कहीं पर दर्द हो रहा हो तो वह रो रहा हो। अगर यह स्थिति है कि उसको आपको ये महसूस होता है उसको कहीं दर्द हो रहा, मान लीजिए थोड़ा गिर गिर गए हो, चोट वोट सर पे लग गई हो, हाथ पैरों में लग गई हो या फिर कोई और ऐसी दिक्कत हो जिससे उसको दर्द हो रहा हो, तो अगर उसका दर्द ख़त्म होगा तो वो रोना बंद करेंगे और वो दर्द तब ख़त्म होगा जब आप उनको होम्योपैथिक दवा बेलेडोना देंगे। आप बेलेडोना 202 बूंद दिन में 3 बार दे दें, उनका दर्द पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, पेन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत अच्छा अपने को महसूस करेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि जैसे ही बच्चे ने किसी को देखा वो रोने लगा, तो अगर यह स्थिति हो कि किसी को देखते ही बच्चे को रोना आ जाता हो, जैसे ही कोई उसकी तरफ आगे बढ़ा वो रोने लगा, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बच्चे को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूप्रम मिटैलिकम। आप क्यूप्रम मेट 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जो जैसे ही कोई उसको गोदी लेने के लिए आगे बढ़ता है वो रोने लगता है। यह दवा उसको शांत करेगी और वह आसानी से जो सामने व्यक्ति उसको गोद लेने के लिए उसके अच्छे के लिए उसको खिलाने के लिए उसकी खुशी के लिए उसके पास जा रहा है उसको जो है वह बच्चा निराश नहीं करेगा। एक साथियों आपके बच्चे में रोने की कंडीशन हो सकती है कि उनके पेट में कीड़े हों। जब पेट में कीड़े होते हैं तो पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होगा तो बच्चा परेशान होगा और वो रोएगा। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं और उसको मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे तो उसके चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद लाइट से दाग होंगे या पिगमेंटेशन लाइट कलर्ड पिगमेंटेशन होगा। अगर यह स्थिति हो साथी हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सीना है। आप सीना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस बच्चे को दे सकते हैं जिसको आपको लगता हो पेट में कीड़े हैं। यह सीना दवा जो है यह बच्चों के पेट के कीड़े भी ख़त्म करेगी, बच्चों के पेट का दर्द भी ख़त्म करेगी और आपके रोते हुए बच्चे को खुश बना के उसको खुश रखेगी। एक स्थिति ये आती है साथियों कि छोटी सी बात से बच्चा रोने लगता है, कोई छोटी सी बात भी उसको रुला देती है। तो अगर यह स्थिति हो कि कोई छोटी सी बात भी उसको रुला देती हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जो जरा सी बात से रो जाता हो, जरा सी बात से दुखी हो जाता हो और परेशान हो जाता हो। कॉस्टिकम दवा उस बच्चे को ठीक करेगी, उसको सुकून देगी और उसका रोना बंद करेगी। एक स्थिति साथी हो अपने घर के बच्चे में आ सकती है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो। अब आप ये कैसे पहचानेंगे, जब पेट में दर्द होता है तो बच्चा पेट पे हाथ रख के थोड़ा सा झुकता है, झुकने से उसको आराम मिलता है। तो अगर ये बेंडिंग फॉरवर्ड पेट पे हाथ रख के बेंडिंग फॉरवर्ड से उसको आराम मिलता हो, उसको आगे झुकने का मन करता हो और वहाँ रोता हो पेट दर्द से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोलोसिंथ। आप कोलोसिंथ 32 बूंद दिन में 3 बार दे दें, इस दवा से बच्चे का रोना भी बंद हो जाएगा, बच्चे का पेट दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और बच्चा अपने को रिलैक्स कंडीशन में महसूस करेगा। यह दवा पेट दर्द के लिए बड़े भी ले सकते हैं।
फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपका बच्चा रो रहा, उसको किसी भी तरह से मनाया नहीं जा सकता, कुछ भी आप उसको दे दें वो रोना बंद नहीं करेंगे। तो अगर यह स्थिति हो कि आप उनको कुछ भी कर दें, कुछ भी किसी तरह भी मैनेज कर लें, लेकिन वो रोना नहीं बंद करेंगे, तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को दूर करने की, बच्चे को खुश करने की, बच्चे को रोने से रोकने की बहुत कारगर दवा है रियूम 30। आप रियूम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार दे दें, यह दवा आपके बच्चे को खुश करेगी, उनको चुप कराएगी, उनको मस्त बनाएगी। एक स्थिति साथियों आपके बच्चे के रोने का कारण हो सकती है दूध पिलाने में रोना। जब उनको दूध पीने का टाइम आया तो वो रोने लगे। हम सबके घर पे ये समस्या है और इस समस्या की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जिनको दूध पीने में समस्या हो, दूध पीते वक्त उनको बहुत रोना आता हो और पूरे घर को हिला देते हो। आर्सेनिक एल्बम उनको ठीक करेगी, वो मस्ती से मजे से दूध पिएंगे और अपने को आने वाली इस दुनिया की लड़ाई में अपने को सशक्त बनाने के पहली सीढ़ी सुकून से चढ़ेंगे। एक स्थिति साथियों आती है, आ सकती है आपके बच्चे में कि बिल्कुल आंसुओं से रो रहे हों, इतने ज़्यादा टीयर्स निकल रहे हों कि बिल्कुल यहाँ से टपक रहा हो पानी। तो इतना दुखी, इतना रोने वाला कोई बच्चा हो तो उसको रोने से चुप कराने का और उसको आनंदमय स्थिति में लाने की बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस बच्चे को दे सकते हैं जिसके आंसू बहते ही रहते हों, वह रुकते ना हों, तो पल्सेटिला उनको ठीक करेगी और उनको स्वस्थ करेगी। पल्सेटिला का पेशेंट आमतौर पर साथियों पानी नहीं पीता, उसको प्यास नहीं लगती, यह भी सिम्टम आप अपने बच्चे में यह दवा देते वक्त नोट कीजिएगा। ये साथियों को दवाएँ थी आपके बच्चे को रोने से चुप कराने की, ये दवाएं थी उसकी जो अननेसेसरी एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको ख़त्म करने की, ये दवाएं थी आपको भी आराम से सुलाने की क्योंकि जब वो सोएंगे तो आप सोएंगे, ये दवाएं थी कि सुबह आप ऊर्जा से अपने काम पे जा सकें, रात को आप रिफ्रेशिंग स्लीप लें और सुबह आप ऊर्जा से अपने मैक्सिमम आउटपुट पर अपने काम पर जा सकें। साथियों हम आपको फिर बता दें, दवाएं आपकी सूचना मात्र के लिए थी, जानकारी मात्र के लिए थी कि होम्योपैथी में एटलीस्ट दवाएं आती हैं, क्योंकि यह एक इमोशन होता है बच्चे का रोना, तो उसको कोई भी अंदर शरीर में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है जिससे वो रो रहा हो, तो एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और कोई भी दवा लें तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, चाहे वो इस वीडियो की बताई दवाएं ही क्यों ना हो। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी आपकी बात को जवाब देने का, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या नीचे दिए गए नंबर पे। अगर साथियों आपको यह वीडियो बच्चों को खुश रखने के लिए और माँ बाप को खुश रखने के लिए इफेक्टिव लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो हमारा यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।